हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा और आपको पता होगा कि आज इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिटुमिन की। क्या आप जानते हो कि जितना भी बिटुमिन प्रोड्यूस किया जाता है उसमें से 85% बिटुमिन केवल और केवल रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। सो आज चलिए समझते हैं कि ये बिटुमिन की शुरुआत कहां से हुई एंड ये कैसे बनाया जाता है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ये समझें कि बिटुमिन को मैन्युफैक्चर किया कैसे जाता है, हमें ये पता होना चाहिए कि बिटुमिन दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है नेचुरल बिटुमिन और वहीं दूसरा होता है रिफाइंड बिटुमिन। हम यहां दोनों की ही बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि दोनों में से हमारे लिए बेहतर कौन सा है, क्योंकि 85% बिटुमिन हमें हाईवे में ही यूज करना है। तो जाहिर सी बात है ये पता होना बहुत जरूरी है कि दोनों में से बेहतर कौन सा है और क्यों बेहतर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल बिटुमिन से। नेचुरल बिटुमिन जो पाया जाता है वो हर किसी फॉसिल की तरह, हर किसी एक नॉर्मल क्रूड ऑयल की तरह उसकी शुरुआत भी होती है फॉसिल से। जब ये फॉसिल जुरासिक टाइम के या और उससे पहले के वक्त के जितने भी इनके कॉर्प्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, जब वो कॉर्प्स के ऊपर सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालते हैं, हाई प्रेशर डालते हैं, हाई टेम्परेचर जब वहां हो जाता है और उसी के साथ क्योंकि ऑक्सीजन भी प्रोवाइडेड नहीं होती है, वो इतने नीचे दब चुके होते हैं उनके कॉर्प्स का मतलब यहाँ डेड बॉडी से है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 500 साल, 600 साल, 1000 साल, 2000 साल, 4000 साल, 10000 साल बाद तक यहाँ पे धीरे धीरे करके फॉर्मेशन शुरू हो जाता है हमारे जो भी फॉसिल फ्यूल है उनका, जिनमें से एक हमारे लिए होता है बिटुमिन। अब सवाल ये बनता है कि अगर ये इतना ही आसान है, अगर बिटुमिन मैन्युफैक्चर करना ही नहीं पड़ रहा है, ऑलरेडी अवेलेबल है नेचर में, तो क्यों हमने इतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज बना रखी हैं, उनका नीड क्या था। मैं आपको रीजन बताता हूं दोस्तों। रीजन बड़ा ही सिंपल है और आप सब बहुत आसानी से रिलेट कर पाओगे। एक चीज और जान लीजिएगा दोस्त, इससे पहले कि मैं रीजन बताऊं, आपको ये जानना चाहिए, ये वन ऑफ द रीजन भी है कि क्यों हम ज्यादातर रिफाइंड बिटुमिन की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो आपका ये जितना भी नेचुरल बिटुमिन है ये ज्यादातर पाया जाता है इन तीन जगहों पे, जिनमें से एक है कनाडा, एक आपका वेनेजुएला और तीसरा आपका आता है ओमान। तो यहां पर ज्यादातर मतलब दुनिया में जितना भी बिटुमिन पाया जाता है नेचुरली, उसका मेजॉरिटी पोर्शन इन तीन देशों में ही देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट को अगर आप जोड़ लोगे तो वो आपके लिए एक तौर से कह सकते हो काफी महंगा पड़ता है। यही वो रीजन है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि क्यों हम लोग नेचुरल बिटुमिन के अलावा एक मैन्युफैक्चर्ड, एक रिफाइंड बिटुमिन को यूज करते हैं जिसको रिफाइनरी में बनाया जाता है। चलिए समझते हैं कि एक रिफाइंड जो बिटुमिन है वो कैसे बनाया जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है क्रूड ऑयल से, जिसको हम सबसे पहले डालते हैं एक इस प्रकार के एटमॉस्फेरिक फिल्टर कॉलम में। इसको फिल्टर कॉलम भी आप कह सकते हो, इसको डिस्टिलेशन कॉलम भी कह सकते हो, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम है ये। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस है बेसिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए। सबसे पहले क्रूड ऑयल ही चाहिए, जहां से आपको सारे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट मिलते हैं, चाहे वो डीजल हो, कैरोसिन हो, चाहे कोई भी चीज हो, सब क्रूड ऑयल से शुरुआत होती है। यहाँ पे क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पर, और एटमोस्फेरिक जो आपका डिस्टिलेशन, एटमोस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम है, उसके अंदर इसको डाला जाता है। अब यहां होता यह है कि जब ये क्रूड ऑयल गर्म होगा तो जाहिर सी बात है कि आप यहां देख सकते हो कि इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन भी होगा और साथ के साथ जितना भी आपका इवेपोरेट होके वेपर ऊपर जा रहे हैं उनमें से जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस होकर के वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। इसी वजह से जितनी भी गैसेस हैं, जैसे कि प्रोपेन है, ब्यूटेन है और बाकी अदर गैसेस हैं, वो इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती हैं ऊपर। बीच में आपको मिल जाता है नेप्था, कैरोसिन और गैस ऑयल, और वहीं नीचे आपको मिल जाएगा एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू या फिर जिसको आप चाहते हो बिटुमिन को, ठीक है। अभी स्टेप पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद हम आगे जाते हैं अगले
कंटेनर के पास, जिसको आप फर्नेस कह सकते हो, राइट। और उसके बाद लास्ट में आप जाते हो वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम में। वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम में जितनी भी अननेसेसरी गैसेस होती हैं, जिनकी हमें नीड नहीं है, जो लाइटर फ्यूल है, जो लाइटर गैसेस हैं, उनको बिटुमिन से अलग किया जाता है और आखिरी में आपको मिलता है बिटुमिन, जिसको आप इवेंचुअली स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ आप कह सकते हो 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ पे एक हो गया आपका ये वाला एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम, और एक हो गया आपका ये वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम वाला पार्ट, बाकी दो फर्नेस, और यहां से आप कह सकते हो एक मेजर लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिटुमिन की जाती है। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एवरीबॉडी।